हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज फिर से लेकर आ गया हूँ राइटिंग की क्लास। ये एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें आपको इसी सीन को मैं मॉडलिंग, टेक्चरिंग, लाइटिंग सब कुछ करके बता रहा हूँ। आप यहाँ आई आइकन से उस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हो। उसमें इसी सीन को कैसे मॉडलिंग से लेके टेक्चरिंग, लाइटिंग कैसे प्रोग्रेस हो रहा है इस सीन का, वो आप यहाँ आई आइकन से जाकर के जो ये लिंक आ रहा है इस पर क्लिक कर करके उस प्लेलिस्ट पे जाकर सारा कुछ देख सकते हो। बाकी ये लास्ट क्लास है जिसमें मैं लाइटिंग को एंड तक ले जाऊंगा, तो डिटेल में क्लास होगा। समझिए इस चीज को अच्छे से और सीखिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ ये सीन है अभी, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। लास्ट क्लास में ऐसा कुछ ये रेंडर आ रहा था, आप देख सकते हो। ऐसा कुछ ये आपका नाइट का सीन हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ रेंडर आ रहा था। हमने इसमें ये एक नया एक ऐड किया हूँ, इसका थोड़ा सा मैं नीचे ऐसा कुछ कर देता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर था, ऐसा कुछ कर देते हैं ताकि ये लाइट पूरा दिखे। एंड थोड़ा सा इस सीन को हम एडिट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसको कॉर्नर पे कर सकते हैं ऐसे, ताकि इस तरफ ये सीन ज़्यादा दिखे, या ऐसा कुछ ऐसा ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैं इसको लाइव कैमरे को एडिट कर देता हूँ। ये ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है। तो हम इसे कुछ प्रोस्पेक्टिव में आते हैं। ये हमारा कैमरा लगा है, ऐसा कुछ ये सीन है। अभी हम इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसमें यहाँ पे ये लाइट है, यहाँ पे ये लाइट है। इस पे आप जैसा कि मैंने यहाँ पे ये वीरे लाइट ऐड किया था, आपको पता है यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ये वीरे लाइट मटेरियल, इसको आप ऐसा कुछ करोगे डबल क्लिक, ये होगा। यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर दोगे। ये हम इसकी, चलो इसका लाइटिंग हम वीरे लाइट मटेरियल से कर रहे हैं। इस पे यहाँ पे हम कुछ और तरीका बताए थे आपको, मेस लाइटिंग कैसे होता है, यहाँ हम वीरे लाइट मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो आपको जो ठीक लगे वो यूज कर सकते हो आप ऐसा कुछ इस सीन में यहाँ पे। अब हम यहाँ से ये लाइट को कैसे फोकस करेंगे नीचे की तरफ, फिर से हम ये इसी ओमनी लाइट को, इस ओमनी लाइट को लास्ट की क्लास आपको मैं जरूर बोलूंगा। आपको अगर टेक्चरिंग वगैरह आपको देखना है देखो, नहीं तो लास्ट का जो इससे पहले का क्लास है लाइटिंग का वो जरूर देख लो, देन इस क्लास को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के फिर से मैं बोलूंगा बाकी चीजें भी देखो इस लाइट, देन आपको ये क्लास और ज्यादा अच्छा लगेगा। या अगर आपको बेसिक लाइटिंग आती है तो आप इस क्लास को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ मैं इसे कॉपी करके लाया, यहाँ रखा, एंड इसे मैं ऊपर यहाँ ऐसा कुछ यहाँ से टॉप से जाकर यहाँ पे ऐसा कुछ सेंटर में रख लूंगा। ये रहा ऐसा कुछ, ये हमारा यहाँ से भी देखूंगा सेंटर है कि नहीं। देन मैं इसे, एक आपको ध्यान रखना है, ये मैं कॉपी करके ला हुआ हूँ, इंस्टेंस नहीं किया हूँ। देन मैं इसका साइज वगैरह अगर मुझे छोटा करना हो ये चीजें कर सकता हूँ, मुझे इसका ये चीज कम करना है। स्टार्ट ये कहाँ तक जाना चाहिए लाइट, ये यहाँ से फॉलोअप कहाँ तक बनना चाहिए, देन इसके बाद अंधेरा हो जाता है, तो वो चीज मुझे अभी यहाँ डिसाइड करना है। मैं इसे थोड़ा कम रखना चाहता हूँ, ऐसा कुछ आप सेंटर में करके टॉप से भी देख लोगे, ऐसा कुछ ये रखोगे, ऐसा कुछ रेंडर करोगे, ये चीज ऐसा कुछ आपका क्वालिटी आएगा। अभी जो हम इस लाइट से पहले, इससे पहले जो सीन में हमने आपको बताया भी था, इससे इधर, इसके अपोजिट यहाँ पे, इससे अपोजिट हमने यहाँ पे जो ये लाइट लगाया है, हम अगर टॉप में जाएं, यहाँ पे जो मैं ये लाइट लगाया था इसको हम अभी फिलहाल हटा देते हैं। फिलहाल ये लाइट मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा इफेक्ट देगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। या आपको उस लाइट का हमें ऑलरेडी यूज है जो हमें हो सकता है मुझे बाद में लेना पड़े, तो कोई नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसे मूव करके यहाँ पे कर दोगे ऐसा कुछ, यहाँ पे इसे ऐसा कुछ है इसके नीचे, तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी जब ये ऊपर लाइट है तो मुझे तो दिखाना ही होगा कि नीचे इस जगह पे भी लाइट आ रहा है, तो मैं ऐसा भी इसे मूव करके ला सकता हूँ। यहाँ पे इंटेंसिटी आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है तो आप इसे कम भी कर सकते हो, यहाँ पे जाओ वैल्यू कम कर दो, 0.5 में दे दिया हूँ ऐसा कुछ। आपको ये एक चीज़ मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, मैं इन लाइट्स में यहाँ पे ये चीज़ इनवर्स स्क्वायर में यूज कर रहा हूँ, बट इसमें यहाँ पे मैं नहीं किया हूँ, इस पे मैं लास्ट में यहाँ पे मैं नहीं किया हूँ, और लास्ट क्लास में मैं फाइनल लास्ट के रेंडर में इनवर्स सिर्फ कर दिया था, मैं इनवर्स ऐसा कुछ यूज किया था। अगर आप ध्यान देखो थोड़ा बहुत, तो ये ऐसा कुछ ब्लैक आया था यहाँ पे, ऐसा कुछ ये डेप्थ बना था ब्लैक का। आप वो भी यूज करते हो, आज फिलहाल मैं इसे नन रखते हैं ऐसा कुछ। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो ये लाइट है, ये पूरे सीन में 1.3 ये जो मैंने वैल्यू दिया है,
ये इस वैल्यू को इतना लाइट ये पूरे सीन में एक जैसा दे रहा है, क्योंकि थोड़ा सा तो लाइट हर तरफ होता ही है, अब रात में लिख लो हल्का लाइट होता है, तो वो चीज थोड़ा सा यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो ऐसा कुछ आप देखोगे, अभी फिलहाल ये रेंडर हो रहा है, तो इसमें ये लाइट जो है हर तरफ 0.3 उतना वैल्यू हर तरफ दे रहा है। इस तरफ हमने इस सीन के इधर दिखाया है कि इसी तरह से एक स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगा हुआ है रोड के साइड में, तो उसका लाइट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये चीज बन रहा है। यहाँ पे इस लाइट से जो लाइट निकल रहा है, यहाँ दीवार पे आप देखो तो ज्यादा लाइट है, देन यहाँ पे भी नीचे में भी ये थोड़ा थोड़ा लाइट है। तो ये चीजें होती है, ऐसे करके आप सीन के साथ प्ले करते हो, लाइटिंग करते हो और आप अपने लाइटिंग को इन्हेंस करते हो, अच्छे से निकालते हो। लास्ट क्लास में मैं इसको ठीक किया था, टेक्चर को, जो यहाँ जो इस पे बम्प बन रहा था इसे ठीक किया था। आज की क्लास में मैं इस पे भी बताऊंगा थोड़ा सा, अगर देखो टेक्चर पे यहाँ पे बम्प आ रहा है, ये इस पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको ठीक करना हो तो वही फॉर्मूला जो मैं लास्ट क्लास में इस टेक्चर को ओपन करके इस पे ब्लैक या वाइट बताया था, पेंट कर दो इतने पार्ट पे, वही आपको दीवार वाले टेक्चर पे इतने पार्ट पे ब्लैक या कर दो या फुल वाइट कर दो इतने पार्ट को, यहाँ भी इसको इतने पार्ट को, देन यहाँ इस पे टेक्चर पे जो थोड़ा थोड़ा जो इस पे बम्प बन रहा है पोस्टर पे, वो बम्प खत्म हो जाएगा, सिर्फ ईट पे वो बम्प रहेगा। तो आपको वो चीज करके आप जहां भी बम्प अप्लाई करना हो नहीं करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं आज के क्लास में भी अगर मैं आपको बताऊं, यहां से मैं सीन में चलता हूं, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बैक जाना होगा, जैसे कि अभी आपको वॉल वाला कौन सा है, ये हमारा वो है सीन है, वैसे हमें फाइनल जेपेग खोलना होगा, कोई नहीं उसके अकॉर्डिंग मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ, पहले कम से कम फोटोशॉप तो ओपन हो जाए, जो मैं अभी बात किस चीज का कर रहा था। ऐसा कुछ देखोगे आप, सीन ओपन हो चुका है, मेनली हमें टेक्चर पे हम ऑलरेडी रेडी कर रखे हैं, इसका हमें बम्प पे काम कर रहा है, ये हमारा टेक्चर है, कोई नहीं आपको मैं खोल के दिखा दिया, ये हमारा फाइनल टेक्चर है। मुझे अभी जो काम करना है वो टेक्चर पे नहीं करना है, मुझे इसी के बम्प पे करना है जो कि ये है, मुझे इसके बम्प पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे लाऊंगा ऐसा कुछ, इस पे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये रहा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, आपका ओपन हो गया। अब हमने जो बताया था, जैसा कि मैं बताया था आपको, ब्रश लो सिलेक्शन करोगे भी कर सकते हो, ब्रश करके यहाँ पे देखोगे आप व्हाइट, मैंने फुल व्हाइट ले रखा है, ब्लैक व्हाइट कुछ भी आप ऐसे पेंट कर दोगे, ये आप यहाँ पे जितने पार्ट में आप चाहते हो बम्प ना दिखे, इन पे तो यहाँ पे ये बम्प दिखेगा, लेकिन अगर जिस पार्ट पे आप चाहते हो बम्प नहीं दिखे, तो मैं लाइटिंग के साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा टेक्चरिंग के भी कुछ कुछ ट्रिक्स आपको बताते चल रहा हूँ। आपको ट्रेंड कर देना है टेक्चरिंग, लाइटिंग, मॉडलिंग में, मेरा यही मकसद है, इस चैनल का यही मकसद है कि आपको मॉडलिंग, टेक्चरिंग और लाइटिंग, इसमें आप ट्रेंड हो जाओ, 3D मैक्स हो, माया हो, आगे माया का भी क्लास आएगा। तो ऐसा कुछ आप ये वाइट पेंट कर दिए हो, यहाँ यहाँ पे मैं ऐसा कुछ वाइट पेंट यहाँ भी कर देता हूँ। तो अब इस पोस्टर पे बम्प नहीं बनेगा, अभी अगर आपको दिखाना है तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप चाहते हो यहाँ पे बम्प अच्छा नहीं लग रहा है, कभी कभी सीन में होता है पोस्टर में बम्प की क्या जरूरत, तो फिर ऐसा कुछ आप व्हाइट पेंट कर दोगे या कहीं भी, ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस हर जगह अप्लाई होगा। कहीं भी आपको लगता है कि आपने बम्प बना लिया लेकिन यार इतने पार्ट में मुझे बम्प नहीं चाहिए, तो लो जी ऐसा कुछ आप कर दिए, यहाँ से कंट्रोल एस सेव कर दोगे, इसे आप ऐसा कुछ मिनिमाइज करोगे, यहाँ आप अपने सीन पे जाओगे और देन आप देखो ये वो चेंज हो रहा है, अभी जो मैंने अप्लाई किया वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जब आप अब रेंडर करोगे तो यहाँ देखो इस पे अब बम्प अप्लाई नहीं होगा, ये आप खुद से करके देखो, चीजों को सीखो, यहाँ पे बम्प अप्लाई नहीं होगा, ये देखो कितना स्मूथ सा लाइटिंग हो रहा है। तो ये चीजें हैं, बाकी सीन पे आपका बम्प अप्लाई हो रहा है, मुझे लगता है चेंज हो गया है, बम्प थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैंने 20 कर दिया था लास्ट क्लास में, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अभी भी 30 है क्या। हाँ 30 था बट हमने चेंज कर दिया था, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अभी ये फिजिकल मटेरियल कुछ मैं R&D कर रहा था तो वो फिजिकल मटेरियल हो गया है, कोई नहीं, अगर आपको बाद में मान लो आपका मटेरियल कभी चेंज हो जाए, जैसा कि मैं अभी आपको क्लास चालू करने से पहले मैं थोड़ा फाइल को कुछ कर रहा था तो उसमें ये फिजिकल मटेरियल हो गया, चलो कोई नहीं, इसको आपको मैं एक चीज सिखाता हूँ कि ये इसे आपको बाद में चेंज करना हो तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप कट ऐसा कुछ कर लोगे, इसी बहाने आप कुछ नया सीख रहे हो अभी फिलहाल ये, एंड देन आपको वीरे
वीरे रेंड यूज करना है, या कोई किसको वीरे, अभी मैं वीरे मटेरियल या स्टैंडर्ड मटेरियल दूसरे मटेरियल में जाना है, तो यहाँ से आप ऐसा कुछ डबल क्लिक, ये लो अभी आप आ गए किस में, वीरे मटेरियल में। कुछ नहीं, यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना है। यहाँ अब आपको रिफ्लेक्शन वाला जो मैप है वो पेस्ट करना है, तो मैं अभी इसी को पेस्ट कर दिया हूँ। यहाँ जाऊँगा और अब मैं ये रिफ्लेक्शन वाला ये लो स्पेकुलर ये डाल दिया अभी इसी में मुझे। अब अभी मैं यहाँ पे आप ध्यान दो तो मैं बम्प अप्लाई कर दिया हूँ, जो कि अभी यहाँ पे जाऊँगा इसी में, और इसका टेक्चर कौन सा है, ये रहा हमारा फाइनल टेक्चर, लो टेक्चर अप्लाई कर दिया। अब मुझे इसी के अंदर यहाँ नीचे जाओ, मैप में जाओ, ये अप्लाई हो गया ये। अभी मैं इसी में फिर से बम्प अप्लाई करना चाह रहा हूँ। डिफ्यूज मैंने डाल दिया, रिफ्लेक्शन मैंने डाल दिया, ये ऊपर है बम्प, ये बम्प ऊपर आ रहा है, यहाँ पे इसी को पेस्ट कर दो। आपको अगर लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कोई नहीं, ऐसा कुछ जाकर आप यहाँ से इसे डबल क्लिक कर दो, लो फिर से आपका बम्प भी अप्लाई हो गया। देन बम्प अप्लाई होने के बाद आपको बम्प 30% मुझे ज़्यादा लग रहा था कि थोड़ा हो रहा है ये चीज़, तो आप 20% करके एक बार देख लोगे रेंडर करके, ऐसा कुछ मैं फिर से रेंडर कर रहा हूँ, अच्छा लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाँ कुछ चेंज हुआ था, तो अब फिलहाल मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो एक स्मूथ सा आना चाहिए इफेक्ट, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लगे। अगर ये ज़्यादा अभी भी लग रहा है तो आप 10% कर सकते हो उसे, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। फिलहाल अभी ये रेंडर हो रहा है, अभी एक और चीज़ अभी इसमें, इसी में आप अभी आप देख रहे थे, अभी इसमें हो सकता है आपको इफेक्ट में चेंज नजर आए। यहाँ रिफ्लेक्शन में मैं एक और चीज़ बताऊं, जैसे अभी ये है, इसी को मैं अभी मैं मैप यूज किया था, अगर आपको ध्यान में हो यहाँ पे जाओ, ऐसा कुछ मैं मैप अप्लाई किया था। अब और एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ, वैसे तो मैं बता भी रखा हूँ पहले के क्लासेस में, यहाँ से आपको कभी ज़रूरत नहीं होता है कि हमेशा आप मैप यूज करो, यहाँ से भी आप दे सकते हो ऐसा कुछ, थोड़ा सा आपको देना है दे दो, इतना बहुत है। इस ये भी अच्छा इफेक्ट देता है, मान लो मैं 20 कर देता हूँ, क्योंकि ईटो पे उतना ज़्यादा होता नहीं है। यहाँ से ग्लोसिनेस वगैरह कम करना है वो कर दो, 8 करना है बहुत कम होता है, 6.6 भी कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, ये चीज़ें ऐसा कुछ कर दो एंड देन आप रेंडर करो, काफ़ी अलग रेंडर आएगा आपका। तो यहाँ पे जो अलग सा साइनिंग आ रहा था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा था ईंट पे, ईंटों पे इस तरह के पत्थरों पे उतना होता नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी सा हो रहा था, तो वो चीज़ें हमने कम कर दिया। तो इस तरह से आप दे सकते हो, रेंडर आपका आ रहा है। आपको अभी भी बम्प अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप ऐसा कुछ चाहोगे यहाँ पे इसमें, और इसमें जाकर यहाँ पे, और आप यहाँ मैप में जाओगे, ये रहा आपका मैप, यहाँ बम्प में ऐसा कुछ, ये बम्प है, आपको यहाँ 20 के जगह पे, सॉरी यहाँ पे आप 10 कर दो इसे वैल्यू, आप यहाँ से ऐसा कुछ कंट्रोल यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने 10 कर दिया, मैं फिर से रेंडर कर रहा हूँ। तो लगभग लाइटिंग मैंने आपको समझाया, यहाँ पे ये एक लाइट लगाया, यहाँ पे लाइट दिया, इसी लाइट को इसका बड़ा सा यहाँ पे दिया ताकि दिखे कि हाँ यहाँ पे भी ऐसा कुछ लाइट आ रहा है। इसका जो नीचे मैं यहाँ पे लाइट दिया हूँ, अभी आप देखो बम्प काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रहा है, फाइनल रेंडर होगा और ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको मैं लाइट को बोल रहा था, जो यहाँ पे मैं इसका रेडियस दिया हूँ, इसको आप ज़्यादा कम कर सकते हो, फिलहाल अभी ठीक लग रहा है। अभी मैं लास्ट क्लास में आपको एक और चीज़ बताया था कि गेट, इस गेट के पीछे अगर लाइट जल रहा हो देन यहाँ से कैसे वो निकलेगा, यहाँ से मुझे दिखाना है कि गेट के अंदर, इस रूम के अंदर लाइट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वो चीज़ें कैसे करेंगे, आज की क्लास में हम उसको भी थोड़ा बहुत समझते हैं। तो उसके लिए अभी फिलहाल ऐसा कुछ हो गया है हमारा सीन, आप देख रहे हो रेंडर, बहुत ज़्यादा रेंडर में टाइम ना लगाते हुए अभी हम इसी को, इसको यहाँ पे ऐसा कुछ कॉपी कर सकते हैं, या एक ऐसा कुछ लाइट ले सकते हैं। यहाँ से हम जाते हैं स्टैंडर्ड वीरे, ये वीरे लाइट, एंड यहाँ से ऐसा कुछ एक लाइट लेते हैं। इसको हम दो तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो आप ऐसा कुछ अंदर, मान लो मैंने ना क्या किया कि पीछे इसके आप अगर ध्यान दो, हालांकि टेक्चर आ रहा है यहाँ पे, ये ग्रे ग्रे हो रहा है, तो आप ऐसा कुछ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे और इसको ये ऑन करोगे, ये इस पर अगर क्लिक करोगे, अगर ऐसा कुछ कभी टेक्चर मिस हो रहा हो तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे टेक्चर आपका शो होने लगेगा। तो आपको मैं वो बोल रहा था कि इसके बगल में मैंने ये ऐसा कुछ गैप दिया है, इस गैप में मैंने ये रेंडर यहाँ ये लाइट लगाया है, इसको ऐसा कुछ आप ऊपर ऊपर करोगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसा रखोगे, कोई नहीं, एंड ये ऐसा
अब मैं इसमें ऐसा कुछ इसके अंदर एक लाइट लगा दिया हूँ, ऐसा कुछ जब रेंडर करूंगा तो देखो यहाँ से वो हल्का हल्का लाइट दिखेगा। आप ज़्यादा अगर इफेक्ट चाहते हो यहाँ ऐसा कुछ आ रहा हो तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि इस लाइट को यहाँ, ये भी फ्रंट पे हैं हम, ऐसा कुछ लेफ्ट पे जाएं, इस लाइट को ऐसा कुछ रोटेट कर दें, यहाँ पे आप 90 डिग्री ऐसा कुछ इसको ऑन करो, ऑन करने के बाद सीधा ऐसा 90 डिग्री रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे कम लाइट के इंटेंसिटी देकर अच्छा इफेक्ट चाहते हो फ्रंट पे जाओ एंड गेट के शेप में, ठीक गेट का शेप इसे दे दो, यहाँ पे आप लेंथ और विड्थ ऐसा कुछ चेंज करो, ये आपको ऐसा कुछ ये रहा, आपने इसको बना लिया ऐसा कुछ एंड देन ये देखो ये। अब आप देखो हालांकि यहाँ मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा है, 30 है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको यहाँ जलता हुआ लग रहा हो, तो उसको हम मल्टीप्लायर वगैरह कम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा, मल्टीप्लायर के अलावा एक और चीज़ मैं बताऊँ, अभी फिलहाल मैं रेंडर बंद करता हूँ, स्केप ऑन करके इसे इनविजिबल कर दो ताकि इसके पीछे का दीवार दिखे, अभी वाइट लाइट दिख रहा है वो आप यहाँ ऐसा कुछ इनविजिबल कर दोगे तो होगा क्या, लाइट दिखना बंद हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ अब थोड़ा सा लग रहा है कि रियल लाइट निकल रहा हो, ये एक्चुअल में ये इनविजिबल है क्या, हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। इसी तरह से जैसे ये इनविजिबल है, टू डबल साइडेड, ये सारे काम करते हैं, मैं फिर से लास्ट क्लास में भी बताया था, आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, आपको जितने भी यहाँ पे आपको लाइट में जितने भी ये, जैसे वीरे के अंदर बहुत सारे लाइट है, आर्नोल्ड के अंदर बहुत सारे लाइट है, स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे लाइट है, फोटोमेट्री के अंदर सारे लाइटों का एक एक लाइट का एक एक पैरामीटर, जैसे ये वीरे लाइट है तो इसमें ये जितने भी पैरामीटर्स है, ये टूल्स हैं, ये पैरामीटर जितने भी है सबको मैंने बहुत डिटेल में एक एक लाइट का बताया है सब कुछ कि क्या काम करता है। जैसे इसी वीरे लाइट में ये इनविजिबल का काम करता है, ये इफेक्ट डिफ्यूज, डबल साइडेड, कास्ट शैडो, ये एक्सक्लूड इंक्लूड, ये चीज़ें क्या होती हैं सब कुछ बहुत बारीकी से मैंने बताया है। अगर आपको उन क्लासेस को देखना है, फिर से मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर जो लिंक आ रहा है इस पर जाओ, क्लिक करो, देखो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे लिंक्स हैं, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, सारे जो भी 3ds मैक्स के, इलस्ट्रेटर के, सब कुछ आप जाकर देखो, सीखो। लाइटिंग का जो ये लिंक आ रहा है यहाँ से, हर एक लाइट में क्या क्या काम करता है वो लाइट, कैसे एक एक टूल्स को यूज करना है, उन चीज़ों को अच्छे से बताया है, जाकर के आप देखो सीखो। मैं अभी हर क्लास में मैं उन चीज़ों को नहीं बता सकता, इसीलिए मैं कभी कभी बता देता हूँ कि आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो अभी मैं इनविजिबल कर दिया, इनविजिबल करने पे क्या होता है, कंट्रोल क्यू, ये अभी रेंडर में आपको यहाँ लाइट नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसका इफेक्ट यहाँ देखो ऐसा कुछ ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इफेक्ट आ रहा था। इनविजिबल अगर नहीं करते हैं होता क्या है, देखो ये लाइट वाइट ऐसा कुछ दिख रहा है, वही प्रॉब्लम अभी आप अगर देखो तो यहाँ पर हो रहा था। मैं इसे डिलीट कर दूं कि यहाँ पे ऑलरेडी ये लाइट है मेरे पास, तो यहाँ पे अभी वही हो रहा था। जैसे ही आप अगर इनविजिबल, थोड़ा सा इसको मुझे पीछे रखना चाहिए, थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ पीछे कर लेते हैं, ये चीज़ अभी क्या हो रहा था इनविजिबल, जब मैं इसे इनविजिबल कर दिया, इनविजिबल नहीं किया था तो वो पूरा का पूरा वाइट दिख रहा था, जिस कारण ये सीन उतना अच्छा नहीं लग रहा था। देखो ऐसा कुछ वाइट बहुत ज़्यादा आ रहा था नीचे, अभी मैं इसे आप इनविजिबल कर दो, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, ये मैं 100% श्योरली बताता हूँ, ज़्यादा इफेक्ट अच्छा आएगा। इस तरह से आप देखोगे कि अंदर लाइट जल रहा है, ऐसा कुछ लाइट जलने का एक रूम के अंदर कैसा लाइट जलने पे इफेक्ट होगा वो चीज़ आएगा। अभी बहुत ज़्यादा वाइट है, आपको यहाँ पे इंटेंसिटी भी कम करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल मैं 2 कर देता हूँ, देन रेंडर करता हूँ, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ लाइट रूम के अंदर आप देख सकते हो ये चीज़ जलता हुआ दिख रहा है कि हाँ रूम के अंदर लाइट जल रहा है, अंदर कोई है, इस तरह का इफेक्ट आपको आ जाएगा। अगर ये लाइट नहीं देते हैं तो ये ब्लैक लाइन जैसा आता है, तो डेप्थ आता है ब्लैक लाइन का, लेकिन अभी अंदर लाइट जल रहा है इसलिए ऐसा कुछ आपको ये दिख रहा है। इसमें एक और चीज आप नीचे सोचोगे, यहाँ ये ब्लैक क्यों हो रहा है, इसका भी एक रीजन है, उसको भी ठीक करना होगा, ठीक करूंगा तभी आपको जाकर सीखने को भी मिलेगा कि आप समझ पाओगे ये प्रॉब्लम है क्या, क्यों हो रहा है।
इसे मैं ऐसा कुछ ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये क्यों हो रहा है, यहाँ गैप नहीं, ये ऐसा कुछ गैप, नीचे तो कुछ है ही नहीं गैप के कारण, इसे आप ऐसा कुछ कॉपी लो, ऐसा कुछ एंड इसे मैं नीचे, ये कुछ ना कुछ तो होना चाहिए सीन में, तो ऐसा कुछ आप कॉपी लो इसे, फिलहाल यहाँ आप लेफ्ट में जाकर और इसे ऐसा कुछ सेट कर दो, या उसी को आप या तो एक्सट्रूड कर दो इधर, या वर्टेक्स पकड़ के खींचो, या एक नया कॉपी करके ऐसा कुछ कर दो। देन ये हमारा लाइट है, ऐसा कुछ इस लाइट को नीचे तक ऐसा कुछ कर दो एंड ये रहा। अब जो इसका इंटेंसिटी होगा वो देखना, ये हो गया ऐसा कुछ। यहाँ पे नीचे या तो वाइट रखो या तो टाइल्स होता है, ऐसा कुछ काई वगैरह नहीं होता है कभी भी, फिलहाल मैं ऐसा कुछ वाइट ही डाल देता हूँ, लो ये चीज। एंड अब जो आप रेंडर करोगे तो आपको यहाँ नीचे भी दिखेगा, ये देखो यहाँ पे भी आपको ये पता चलेगा कि ये लाइट का इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि नीचे कुछ था ही नहीं, नीचे खाली था, तो नीचे कुछ तो जमीन, कुछ तो टाइल्स, कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तभी तो लाइट जो है वो आपको दिखेगा नीचे, तभी तो दिख पाएगा। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होने के कारण कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं था, ब्लैक हो रहा था। जैसे ही मैंने नीचे ऑब्जेक्ट दिया, नीचे फर्स्ट सरफेस दिया, तो ये आपको देखो नीचे भी वाइट आपको ये लाइन आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ घर गेट के अंदर लाइट है। इस तरह से आप नाइट लाइटिंग करोगे, लाइटिंग को अच्छे से समझोगे, लाइटिंग के प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझोगे और अच्छे से लाइटिंग करोगे। तो ये चीजें हैं, आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इन क्लासेस में। मैं फिर से बोलूंगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, जाकर के देखो सीखो। 3D Max का पूरा क्लास देखना है आपको तो यहाँ आई आइकन पे लिंक आ रहा है, इस लिंक पे जाकर 3D Max का जो भी इस चैनल पे जो जितने भी ट्यूटोरियल्स है स्टार्टिंग से, वो सारे ट्यूटोरियल्स आप यहाँ आई आइकन से जाकर देख सकते हो, जो अभी लिंक आ रहा है। बाकी अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप लाइक करोगे। अभी फिलहाल ये रेंडर हो रहा है, रेंडर होने में जब भी लाइटिंग वगैरह करते हो तो सीन हैवी हो रहा होता है धीरे धीरे, तो वो टाइम लेता है रेंडर होने में। तो अभी फिलहाल ये रेंडर बंद हो गया है, लेकिन अच्छे से, हो सकता है कभी अचानक स्केप प्रेस हो गया हो, अभी ये फिलहाल रेंडर फिर से चालू हो गया है। तो इस तरह से आप लाइटिंग करोगे, अच्छे से सीखोगे लाइटिंग को, और क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करोगे, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दो, एंड यहाँ से सब्सक्राइब बटन है, इस सब्सक्राइब बटन से जा करके सब्सक्राइब करो, बाकी की क्लासेस देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उन चीज़ों को जा करके उन सॉफ्टवेयर्स को सीखो और देखते रहो, सीखते रहो। Thank you.